हेलो एवरीवन, ओपन योर इंग्लिश कंपोजिशन बुक एंड गो ऑन पेज नंबर 12। डियर फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न आवर फोर्थ लेसन, इवेंट्स एंड सेलिब्रेशंस। इनमें हमने इंडिपेंडेंस डे और दिवाली, ये टू जो ऐसे हैं वो हमने देखे हैं। अभी आज हम देखेंगे अवर क्लास पिकनिक। पिकनिक यानी क्या होती है? सहल, जहाँ पर हम एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो उसके बारे में कुछ लाइंस आपको लिखनी है। यहाँ पर जो कुछ लाइंस दी है, इसके अलावा आपके खुद के ओपिनियन से आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। ये एक आइडियल ऐसे है। अवर पिकनिक टू द हैंगिंग गार्डन्स वॉज ग्रेट फन। एक हैंगिंग गार्डन के पिकनिक के बारे में ये फोर लाइन्स है। अवर पिकनिक टू द हैंगिंग गार्डन वॉज ग्रेट फन। 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम अवर क्लास अलॉन्ग विथ टू टीचर्स वेंट देयर बाय बस। हम हैंगिंग गार्डन को गए थे पिकनिक के लिए। एक स्टूडेंट की समझो ये ऐसे लिख रहा है, वहाँ पर 50 स्टूडेंट्स थे हमारे क्लास के, हमारे दो टीचर थे और हम बस से उस जगह पर गए थे। अब आप अगर आपकी टूर, आपकी अगर पिकनिक औंढा नागनाथ जाती है या कहीं और माहूर जाती है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। आप प्लेस का नेम चेंज कर सकते हो, महाबलेश्वर के बारे में लिख सकते हो। वी प्ले मेनी गेम्स देयर, हम वहाँ पर बहुत खेले, अलग अलग तरह के गेम्स खेले। सो सम गर्ल्स हैड अ लंगड़ी मैच, वहाँ पर लड़कियों ने, जो इंटरेस्टिंग लड़कियाँ थी गेम में, स्पोर्ट में, तो उन्होंने वहाँ पर लंगड़ी की मैच खेली। द बॉयज़ प्लेड क्रिकेट, बॉयज़ ने क्रिकेट खेला। ऑल ऑफ अस शेयर्ड अवर लंच बॉक्सेस, और हमने एक दूसरे के लंच बॉक्सेस जो है, टिफिन बॉक्सेस, वो हमने शेयर किए। आफ्टर लंच वी वॉक अराउंड द ब्यूटिफुल प्लेस, खाना खाने के बाद, लंच होने के बाद हम उस प्लेस में घूमे, वहाँ पर एंजॉय किया। वी प्ले अ ग्रुप गेम कॉल पासिंग द पार्सल, हमने पासिंग द पार्सल नाम का गेम वहाँ पर खेला। दिस वॉज ग्रेट फन, बहुत ही मज़ेदार गेम था वो। वी सैंग सॉन्ग्स ऑल द वे होम, और घर में, घर के लिए जब हम आ रहे थे तो उस वक्त हमने बस में सॉन्ग गाए, अंताक्षरी खेली, हमने बहुत एंजॉय किया। वी रीच होम बाय 7 इन द इवनिंग, और शाम के 7 बजे हम हमारे घर वापस लौट आए। ऑल ऑफ अस वेयर टायर्ड बट हैप्पी, और जब हम घर पे आए थे तो हम बहुत थक गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम बहुत ही खुश थे, बहुत मज़ा आया वहाँ पर। अभी इसके बाद जो इंडिपेंडेंस डे और दिवाली है, वो हमने लास्ट वीडियो में इनके वीडियो देखे हैं, इसके बारे में जानकारी ली है। अभी हमें देखना है क्रिसमस, नेक्स्ट पेज। हमारा नेक्स्ट ऐसे है क्रिसमस, जो कि दिसंबर के 24 दिसंबर को आता है, यानी 25th को सेलिब्रेशन करते हैं रात को 24 के। क्रिसमस इज अ फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड पीस। क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल है जिससे खुशी मिलती है, एक उत्साही और शांततामय एक फेस्टिवल है, त्यौहार है। जिस तरह से हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग, ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस एट क्रिसमस, उस दिन यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ था, तो उसके जन्म का उत्सव क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। डिसम्बर 25 इज अ डे ऑफ ग्रेट जॉय फॉर देम। 25th डिसम्बर जो है, उस दिन उनका जन्म माना जाता है और उस दिन एंजॉय करते हैं सब लोग। ऑन 24th दिसंबर एट midnight, क्रिश्चियंस अटेंड अ प्रेयर सर्विस इन द चर्च, और जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं वो 24th दिसंबर के रात को 12 बजे, क्योंकि रात को 12 बजे से दूसरा दिन शुरू होता है, तो उस वक्त वो चर्च में प्रेयर करते हैं। द रेस्ट ऑफ द वीक इज स्पेंट इन सेलिब्रेशंस, और आगे आने वाला जो वीक है, 1st जनवरी तक, यानी 31st दिसंबर तक, सब एंजॉय करते हैं। इन एवरी हाउस वन विल सी क्रिब्स, लवली क्रिसमस ट्रीज आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, और ये उत्साही त्यौहार है। जैसे हम दिवाली के वक्त घरों में दिए जलाते हैं, कलरिंग करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी तरह से क्रिसमस में क्रिश्चियन लोग त्यौहार मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, स्वीट बनाते हैं, और क्रिसमस ट्री जो है उसको डेकोरेट करते हैं, वहाँ पर सॉन्ग्स गाते हैं। पीपल विजिट ईच अदर्स होम एंड विश
ईच अदर, एक दूसरे के घर पे जाके मेहमानों के दोस्तों के घर जाके उनको विश करते हैं हैप्पी क्रिसमस मैरी क्रिसमस, और उनको विशिंग करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। प्लेंटी ऑफ स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड, मीठा जो खाद्य है फूड स्टफ्स है जैसे मिठाई वगैरह वो बनाई जाती है। ड्यूरिंग क्रिसमस वीक स्पेशल प्रोग्राम्स आर हेल्ड इन द चर्चेस, और जो क्रिश्चियन लोगों का प्रार्थना स्थल है चर्च, जैसे हिंदुओं का मंदिर, मुस्लिम भाइयों का मस्जिद, ठीक उसी तरह से जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके प्रार्थना को, प्रार्थना का जो स्थल है ठिकान है उसे चर्च कहते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। सांता क्लॉज इज़ अ स्पेशल अट्रैक्शन एट सच प्रोग्राम्स, और ये इस पिक्चर में आप देख सकते हो सांता क्लॉज, आपने भी स्कूल में सेलिब्रेट किया है क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, सांता बच्चों को छोटे बच्चों को गिफ्ट देते हैं, और इस तरह से ये एक ब्यूटीफुल फेस्टिवल है। ओके फ्रेंड्स, नाउ आपको क्या करना है कि ये जो दो ऐसे है आपको आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के नोटबुक में प्रॉपर हैंडराइटिंग में लिखने हैं विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।